प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं लवकुश मिश्रा और फिजिक्स मैथ लेक्चर में आपका स्वागत है। बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग वास्तविक संख्याओं से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट और जानेंगे और थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट जानने के बाद इस वास्तविक संख्या के सभी उदाहरण, चार उदाहरण हैं, इन सभी उदाहरणों को पहले हल करेंगे और फिर हम लोग प्रश्नावली को हल करेंगे। तो थोड़ा और कॉन्सेप्ट बचा है उसको देख लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, एक चीज़ मैंने बताया था, अनिर्धारित राशियाँ, अनिर्धारित राशियाँ। अब ये अनिर्धारित राशियाँ क्या होती हैं? जैसे देखिए प्यारे बच्चों, ये जो ये तो शून्य है, तो ये शून्य एक पूर्ण संख्या में आता है। और यहाँ पे अगर हम इन्फिनिटी की बात करें तो ये जो इन्फिनिटी है ना, अनंत, यह एक अनिर्धारित राशि है। दूसरी चीज, अनंत में आप अनंत का भाग देंगे तो ये भी एक अनिर्धारित राशियाँ हैं, ये इतना ही रहेगा, ये बदलने वाला नहीं है। तीसरी चीज, अगर आप एक के घात जीरो अगर कहीं पे देखेंगे तो इसकी वैल्यू सदैव एक होती है। चौथी चीज़ ये है, ये अनिर्धारित राशि नहीं है, केवल यही है, लेकिन आपके प्रयोग में कभी कभार आ जाता है तो इस चीज़ को हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। एक के घात जीरो है तो एक, दो के घात जीरो है तो दो, तीन के घात जीरो है तो तीन, सॉरी, एक के घात जीरो एक, दो के घात जीरो एक ही रहेगा, तीन के घात जीरो एक ही रहेगा। अगर बाय द वे मान लीजिए हाथी के घात जीरो आ जाता है तो भी उसकी वैल्यू एक ही होगा, यानी किसी की घात जीरो रहेगा तो उसकी वैल्यू एक हो जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर ये जीरो के घात जीरो आ जाए तो ये इतना ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं, क्योंकि ये एक अनिर्धारित राशियां हैं और अनिर्धारित राशियां बदलती नहीं हैं। छठवां नंबर है, जैसे मान लीजिए अगर आप अनंत में अनंत जोड़ते हैं तो कुछ लोग लिख देते हैं दो अनंत। अरे जिसका कोई अनंत ही अंत ही नहीं है वो कभी जुड़ सकता है क्या? तो ये अनंत धन अनंत जो है, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, इतना ही रहेंगे, बदलेंगे नहीं। अब देखिए सातवीं चीज़ ये है आपकी, अगर आप दो में दो का गुणा करते हैं तो चार हो जाता है, लेकिन अनंत में अनंत का गुणा करेंगे तो यही रहेगा, बदलने वाला नहीं है। आठवीं चीज़ ये है कि आप दो में दो घटाते हैं तो जीरो हो जाता है, और अनंत में अनंत घटाएंगे तो कुछ प्यारे बच्चे जो है जीरो लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे ये अनंत में अनंत घटने वाला नहीं है। अगली चीज़ ये है प्यारे बच्चों कि अगर हम जीरो में जीरो का भाग देते हैं तो ये कुछ लोग जीरो में जीरो का भाग देते हैं तो वो जीरो लिख देते हैं, लेकिन जो गणित का नियम कहता है कि जीरो में अगर आप जीरो का भाग देंगे तो जीरो से जीरो को कभी भी डिवाइड किया ही नहीं जा सकता, इसलिए इसकी वैल्यू इतनी ही होती है। अब देखिए नेक्स्ट नंबर में, ये ना बदलने वाली राशियां हैं और ना बदलने वाली राशि को ही हम अनिर्धारित राशियां कहते हैं। अनिर्धारित मतलब जिनका निर्धारण न किया जा सके। तो यहाँ पे देखिए, और जैसे आप एक में जीरो का भाग देते हैं तो आप क्या पाते हैं, इन्फिनिटी, और जीरो में एक का भाग देंगे तो आपको क्या मिलता है, जीरो। तो ये और ये दोनों अनिर्धारित राशियां नहीं है, बाकी ये सभी अनिर्धारित राशियों में आता है। तो यहाँ पे ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। तो अब हम लोग उदाहरण पहला हल करेंगे, 4052 और 12576 का SCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम
का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है प्यारे बच्चों, ये आप जानते हैं, हम लोग तब तक भाग देंगे छोटी संख्या से बड़ी संख्या में जब तक कि शेषफल शून्य नहीं हो जाता, और जो भाजक शेषफल शून्य ले आता है वही उसका SCF माना जाता है। तो प्यारे बच्चों चलिए हम लोग देख लेते हैं कि ये जो है 12576 बड़ा है 4052 से, तो हम लोग 4052 से भाग देंगे 12576 में। तो जब इसमें आप भाग देंगे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग 3 बार ले जाते हैं, और 3 का गुणा हो जाएगा 3 × 3 = 6, 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12। अब इसमें आप घटा दें, घटाएंगे तो आएगा 420, और फिर अभी देखिए शेषफल। तो यहाँ पे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है, और ये शेषफल होता है। तो आप सूत्र जानते हैं, यहाँ पे भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल प्लस शेषफल। तो ये भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब इस फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे, यानी इस चीज़ को निकालना है। तो ये भाज्य है 12576 बराबर 4052 × 320। अब हमारा अगला स्टेप है, इसको हम मान लेते हैं भाजक, और ये हो जाएगा भाज्य। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अब हम लोग भाग देंगे, तो ये जाएगा लगभग 9 बार, और 9 का इसमें गुणा करेंगे तो 3780। 9 का इसमें गुणा करेंगे इतना ही आएगा, और अब घटाएंगे आप तो 2 बचेगा यहाँ, और यहाँ पे 7, यहाँ पे 2। तो प्यारे बच्चों अभी मैंने फिर भाग दिया, तो यहाँ पे कितना गया 272 शेष मिला। तो अब इसको हम यहाँ पे एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे, तो ये हो जाएगा 4052 बराबर 420 × 9 = 272। अब यहाँ पे लगाएंगे तो 272 में इतने का, यानी इसको भाजक और ये भाज्य मानेंगे 420। तो इसमें देखिए प्यारे बच्चों, अब आप इसमें जब भाग देंगे 420 में 272 का, एक बार ले जाएंगे यहाँ पे 272 घटाएंगे, तो यहाँ पे आएगा 8 4
एक। अब फिर यहाँ पे एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे तो 420 बराबर 272 गुणे एक धन 148। अभी भी शेषफल शून्य नहीं आया, तो ये क्रिया तब तक चालू रखेंगे जब तक कि शेषफल हमें शून्य नहीं मिल जाता। अब इसमें कितनी बार ले जाएंगे, एक बार ले जाइए, 148, फिर घटाएंगे तो बचेगा 124। और यहाँ पे ये फिर शेषफल मिला। तो प्यारे बच्चों, इसमें इसको ले आना है, एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे, 272 बराबर 148 गुणे एक धन 124। अब ये 148 यहाँ पर उतार लेंगे और फिर हम लोग अगेन एक बार ले जाएंगे तो 424, और फिर यहाँ पे 124 हमें मिलेगा, 124। तो इसको एक बार और एल्गोरिथम का प्रयोग कर देते हैं, यहाँ पे ये लिखेंगे 148 बराबर 124 गुणे एक धन 24। अब 124 यहाँ पर उतारेंगे तो फिर जाएगा लगभग पांच बार, 5 × 20, 5 × 2 = 10, 10 × 2 = 12, 120। तो यहाँ पे उतरेगा प्यारे बच्चों 4, और इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे मिलेगा 4। फिर इसको भी एल्गोरिथम का प्रयोग कर लेते हैं और यहाँ पे एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे, इसको लिख लें 124 बराबर 24 गुणे 5 धन 4, और ये जो है 24, 4 × 24, अब ये 0 मिला तो यहाँ पर लिख देंगे 24 बराबर 4 गुणे 6 धन 0। तो प्यारे बच्चों, इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे r बराबर 0 नहीं मिला, यहाँ पर भी r बराबर 0 नहीं मिला, यहाँ पर भी r बराबर 0 नहीं मिला, यहाँ पर r बराबर 0 नहीं मिला, यहाँ पर भी r बराबर 0 नहीं मिला, यहाँ पर भी, और यहाँ पे मिल गया r बराबर 0। यानी जब r बराबर 0 मिल जाता है तो वहीं पे हम अपना काम ब्रेक कर देते हैं। अतः इसका जो वैल्यू होगा, यहाँ लिखेंगे अतः शेषफल, अतः शेषफल शून्य तथा भाजक 4 है, इसलिए SCF 4052 12576 का SCF 4 होगा। तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन पहला, एग्जाम्पल पहला कंप्लीट होता है। प्यारे बच्चों, अब हम लोग उदाहरण नंबर 2 हल करेंगे। इसमें कह रहा है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का हो सकता है, जहां q कोई पूर्णांक है। तो इसे देखिए प्यारे बच्चों, इसमें हम मान लेंगे
कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। और यहाँ पे 2 इंटू क्यू देख रहे हैं, तो क्यू में अगर 2 का गुणा है तो b बराबर हमेशा 2 मानेंगे। 3 इंटू क्यू लिखा है तो b बराबर 3। 9 इंटू क्यू लिखा है तो b बराबर 9। इस तरीके से मानते हैं तो यहाँ पे मान लेंगे कि b बराबर 2। अब इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये a हो जाएगा, यहाँ पे 2, और ए में आप 2 का भाग दिए तो मान लीजिए जो भागफल क्यू है और शेषफल आर मिलता है। और यहाँ पे जो आर बराबर होना चाहिए 0 या 1 रख सकते हैं पने से। तो प्यारे बच्चों, इस चीज़ को भाज्य यहाँ पे ये फार्मूला लगाएं, भाज्य बराबर भाजक गुड़े भागफल प्लस शेषफल, शेषफल तो ये भाज्य हमारा a है, और भाजक 2 गुड़े भागफल q शेषफल r, यानी a बराबर 2q प्लस r। तो यहाँ पे अब हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, अभी मैंने a बराबर यहाँ पे निकाला है 2q प्लस r, और जहाँ r बराबर 0, 1, तो a के मान, a के कौन कौन मान सकते हैं हो सकते हैं, तो a के संभव मान, a के संभव मान क्या क्या हो सकते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ देखिए, अगर आप r बराबर 0 रखेंगे तो a बराबर 2q मिलेगा, 2q, r बराबर 1 रखेंगे तो 2q प्लस 1 ये मिल जाएगा। अब देखिए, इसमें मान लेते हैं कि यदि इसमें 2 का गुणा हुआ है, a के 2 मान हैं 2q और 2q प्लस 1, तो अगर q में 2 का गुणा हुआ है तो यह एक सम संख्या है, क्योंकि ये 2 से विभाज्य है। तो यहाँ लिखेंगे यदि यदि a बराबर 2q तब एक सम संख्या है, सम संख्या है। और साथ ही यह एक धनात्मक पूर्णांक या तो सम हो सकता है या विषम, यानी ये जो है एक धनात्मक है तो यह एक सम संख्या हो सकता है या फिर, तो यहाँ लिखेंगे साथ ही
एक धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक या तो सम हो सकता है, सम हो सकता है या विषम। इसलिए क्योंकि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का हो सकता है, यानी यहाँ पे लिखेंगे इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का हो सकता है। तो यहाँ पे ये हमारा एग्जांपल थर्ड कंप्लीट होता है। प्यारे बच्चों, अब हम लोग उदाहरण नंबर थर्ड को सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 2 ही जैसा है ये, उसमें केवल सम था, उसमें सम और विषम दोनों थे, लेकिन इसमें देख रहे हैं कि विषम पूर्णांक है। तो यहाँ पे हमें दर्शाना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसमें हम मान लेते हैं कि माना इस मान ले एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, माना स्मॉल ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है और इसमें आप देख रहे हैं, मैंने कहा था अभी कि क्योंकि बगल में जो भी गुणा होगा जिस भी अंक का, उसे हम b के बराबर मान लेंगे। तो यहाँ पे b बराबर ये हो गया, यानी ये जो है b एक भाजक का काम करता है। तो इस चीज़ को हम ऐसे लिखेंगे, ये भाजक 4 भाज a, भाग देने पर मान लीजिए भागफल q और घटाने पर शेषफल r। r बराबर 0 मान लेते हैं, 0, 1, 2, 3। अब इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो इस चीज़ को पहले हम फार्मूला लगा के क्या लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेष फल रिमाइंडर शेष फल। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग इसमें रखेंगे कि भाजक ए है और भाज्य ए है भाजक 4 भागफल क्यू शेषफल आर। इसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a इज इक्वल टू 4q+r और जहां r बराबर
आर बराबर एक कामा दो कामा तीन। तो अब हमें एक के संभव मान निकालने हैं कि एक के संभव मान, ये जीरो भी है यहाँ पे, जीरो एक दो तीन रखने पर क्या क्या मिल सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए ए के संभव मान जीरो रखेंगे यहाँ पे तो ये आएगा फोर क्यू, और यहाँ पे आप दो रख एक रखेंगे तो फोर क्यू प्लस वन, तीन दो रखेंगे तो फोर क्यू प्लस टू, तीन रखेंगे फोर क्यू प्लस तीन, तो एक ही ये संभव सभी मान हो गए। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसमें क्या सभी मान विषम पूर्णांक हैं? क्या सभी मान विषम पूर्णांक के रूप हैं? इसमें कुछ मान ऐसे हैं जो सम पूर्णांक हैं और कुछ मान ऐसे हैं जो कि विषम पूर्णांक हैं। तो यहाँ देखिए, जैसे अभी यहाँ पे हम एक थोड़ा इस तरीके से हम लें, जैसे ये फोर क्यू है हमारा, फोर क्यू के लिख सकते हैं टू इंटू टू क्यू, टू इंटू टू क्यू, तो ये दो से विभाज्य है इसलिए सम पूर्णांक में है, और यहाँ पे ये फोर क्यू प्लस टू बराबर टू क्यू प्लस वन, और ये जो वैल्यू ये भी एक सम पूर्णांक है, इसलिए ये जो है विषम पूर्णांक से बाहर होगा। तो ये और ये एक सम पूर्णांक है, बाकी जो बच रहे हैं एक विषम पूर्णांक हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि यहाँ चूंकि यह फोर क्यू या प्लस टू के रूप का नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों दो से विभाज्य हैं, क्योंकि दोनों दो से विभाज्य हैं, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक फोर क्यू प्लस वन या फोर क्यू प्लस थ्री के रूप का हो सकता है। तो यहाँ पे ये उदाहरण नंबर तीन कंप्लीट होता है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर यानी एग्जांपल फोर सॉल्व करेंगे। इसमें देख रहे हैं, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ हैं और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। वह इनकी ऐसी डेरियाँ बनाना चाहती है कि प्रत्येक डेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये डेरियाँ बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरें। इस काम के लिए प्रत्येक डेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जाएं? तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले प्रत्येक डेरी में बर्फियों की संख्या 420, 130, तो इसका एससीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय एल्गोरिथम से। तो यहाँ पे देखिए, लिखेंगे प्रत्येक
डेयरी में बर्फियों की संख्या SCF तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो 420 है वो 130 से अधिक है, तो 130 420 और यहाँ पे हम लोग तीन बार ले जाते हैं तो तीन का गुणा करेंगे आएगा 490 30 130। अब देखिए प्यारे बच्चों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 420 बराबर 130 गुणे 3 धन 30 यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब अगला स्टेप हम लोग 130 में जब तक तब तक भाग देंगे जब तक कि हमें शेषफल 0 प्राप्त नहीं हो जाता। तो यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, इसमें अब 30 का भाग 130 में देंगे तो 4 बार 3 चौक 12 120 और घटाएंगे तो मिलेगा 10। तो यहाँ पे एल्गोरिथम 130 बराबर 30 गुणे 4 धन 10। अब 30 में भाग दीजिए, 10 तियाई 30, यहाँ पे 0 मिला यानी शेषफल 10 तियाई 30 धन 0। यहाँ लिखेंगे अतः शेषफल 0 तथा भागफल 10 है, इसलिए इसका जो SCF होगा 130,420 का 10, तब प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या 10 होगी। अतः प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या 10। तो प्यारे बच्चों, हमारा एग्जाम्पल चारों कंप्लीट होता है। अब अगले वीडियो लेक्चर से हम लोग प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।